दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज क्लब का स्वागत कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर एक बार पुनः वीडी शर्मा जी हैं। जी हाँ, श्री वीडी जोशी साहब है और हम श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के जोशी जी से आज मिलने आए हैं। वैसे हम इनसे बातचीत करते रहते हैं सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। आज हम दूसरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और एक धार्मिक जो आस्था का प्रतीक होते हैं भगवान राम, इससे संबंधित एक प्रकल्प जोशी जी शुरू करा। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या चीज़ है और ये गतिविधि कैसे चल रही है। सर बताइए कि आप पिछले दिनों रंजीत हनुमान मंदिर में आप गए थे और वहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेते, वो क्या कार्यक्रम था? जय रंजीत जी, रंजीत हनुमान मंदिर में अभी विगत मंगलवार को जी श्री मनोकामना सिद्ध राम नाम लेखन मंत्र जी की जो पुस्तिकाएं हैं जी 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 वो पुस्तिकाएं मेरी बड़ी बहन श्रीमती उमा शुक्ला बड़वानी द्वारा जी जी हमारे जीजाजी साहब श्री विवेकानंद शुक्ल जी हाँ हम देख पा रहे हैं विवेकानंद जी शुक्ल की स्मृति में जी 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 लगभग 11,000 राम नाम लेखन की पुस्तिकाएं का प्रकाशन कराया गया है। जी जी और वो पुस्तिकाएं प्रति मंगलवार को जी श्री रंजीत हनुमान मंदिर में शाम को 5:30 बजे से इसका वितरण शुरू होता है। जी जी बाकायदा उस वितरण में जिस जो व्यक्ति राम बड़ी श्रद्धा से राम नाम लिखने के लिए पुस्तिका ले जाता है उनका नाम पता मोबाइल नंबर लिखा जाता है ताकि क्या है कि वापस जमा होने पर ये भी ये भगवान राम का जो अपने अयोध्या में मंदिर बन रहा है जी जी वहाँ पर ये पुस्तिकाएं विशाल रूप से संकलित की जाती है जी। और काफी इसका प्रभाव है और राम नाम लेखन चाहे वो हर व्यक्ति वहां से पुस्तिका ला सकता है और अपने घर पर बैठ के जी। ये एक ऐसा अमोघ मंत्र है जी जी जैसे सभी जानते ही हैं जी कि राम ही यानी कहते हैं ना कि राम है तो सब है और राम है तो कुछ भी नहीं। जी 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 राम राम कहो बारम्बारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। जी जी ये इस अपने उद्देश्य को शिरोधार्य करते हुए जी जी। मेरी बड़ी बहन जी श्रीमती उमा शुक्ला जी उनके पति श्री विवेक शुक्ला बड़वानी की स्मृति में ये पुस्तिकाओं का वितरण रंजीत हनुमान मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है जी। और मैं समाज के और भी जो हर व्यक्ति जो धार्मिक है वो सुन रहा हो जी। तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हर मंगलवार शाम को 5:30 बजे ये पुस्तिकाएं निःशुल्क रंजीत हनुमान मंदिर से प्राप्त करें जी। और जब भी पूर्ण हो वहाँ पर वापस जमा करने की कृपा करें और क्या है कि ऐसा अपना मनोकामना सिद्ध मंत्र के द्वारा हर संकट भगवान राम दूर करेंगे और भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी जो रंजीत हनुमान जी जो आज क्या है कि एक बड़ा सिद्ध धाम हो गया है जी जी इंदौर में और जिला प्रशासन द्वारा इतनी समुचित व्यवस्था वहाँ कर दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था उस मंदिर में नहीं है और हजारों लोग हर मंगलवार शनिवार बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर में दर्शन लाभ लेते हैं और मैं सभी से आग्रह निवेदन करता हूँ कि राम नाम लेखन पुस्तिका प्राप्त करें और अधिक से अधिक संख्या में राम नाम का अपना मंत्र को लिखें जी, और अपनी मनोकामना और सारे संकट को दूर करें। जो हमारे परिवार के इष्ट देवता जी जी श्री हनुमान जी महाराज हैं जी 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 और मैं बरसों से ये छोटी सी हनुमान चालीसा जी जी ये मेरे जो मिलने वाले जो परम हनुमान जो राम भक्त हैं जी जी उनको मैं श्रद्धा से निःशुल्क प्रदाय करता हूँ। अरे वाह, ये क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो अपने मेरे एक विदेशी जो US में है जी मेरे विदेशी भतीजे हैं हाँ। उनके द्वारा उनको वहाँ पर मैंने भेजी गई थी। अच्छा, तो वहाँ पर उस US में जो कुछ और अपने इंडियंस हैं हाँ। उसमें से एक गुजराती बच्चे ने मुझे फोन करके कहा कि ये हमारे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है। अरे वाह, ये छोटी सी हनुमान चालीसा हाँ। बुलेट प्रूफ जैकेट है जिससे कि हम यदि हमारे ऊपर के पॉकेट में रखते हैं तो हमको हर जगह हम सुरक्षित रूप से पहुंच जाते हैं जी, और जी। ये हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं जी, जी। इसलिए मैं ये भी आग्रह करता हूं कि जो भी मेरे ये लेना चाहे मैं निःशुल्क उनको छोटी सी हनुमान चालीसा बड़ी श्रद्धा से और मैं प्रदाय करता हूं। जय रंजीत। जय, यकीन हम उम्मीद करते हैं कि जो समाजजन और जो नागरिकगण आपको सुन पा रहे हैं वो रंजीत हनुमान मंदिर जाकर मनोकामना जो भगवान राम की कॉपी है राम नाम लिखना चाहते हुए रहेंगे और ये छोटी सी जो बुलेट प्रूफ जो हनुमान चालीसा है ये भी आपसे ग्रहण करने के लिए संपर्क करेंगे।
आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय रंजीत।